हरियाणवी गायक अमित सैनी रोहतकिया के 9 वर्षीय बेटे की शनिवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा हो गया। हादसे के बाद पिकअप को मौके पर छोड़कर चालक फरार हो गया। पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। सुखपुरा चौकी प्रभारी सन्नी ने बताया कि गायक अमित सैनी का बेटा यमन और मन्नत हर रोज ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। जींद चौक की तरफ से ट्यूशन पढ़कर दोनों तीसरे साथी के साथ सुखपुरा चौक की तरफ स्कूटी पर सवार होकर घर आ रहे थे। जब वह जींद चौक से आगे पावर हाउस के नजदीक पहुंचे तो पीछे से पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी असंतुलित होकर गिर पड़ी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में लिया। पुरानी सब्जी मंडी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है, जो रोहतक का ही बताया गया है। हादसे की सूचना पाकर काफी संख्या में लोग पीजीआई पहुंचे। बेटे के साथ हादसे से कुछ देर पहले ही अमित ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में सोशल मीडिया पर नया गाना शेयर किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में दूसरा गाना सुनकर बताओ। कुछ देर पहले तक कमेंट्स में सब गाने की तारीफ कर रहे थे। जैसे ही अमित के बेटे की मौत का दुखद समाचार उनके प्रशंसकों को पता चला तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में दुख प्रकट करते हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11वीं और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल